तो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे स्टूडेंट प्रोफाइल या इम्प्लॉय प्रोफाइल शीट हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से हमने एक ब्लैंक फाइल ले ली, यहाँ से हमने थोड़ा जूम कर लिया, कंट्रोल एस करके फाइल को सेव कर दिया, मोर ऑप्शंस में चले गए, ब्राउज कर दिया हमने, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके एक्सेल फाइल्स के फोल्डर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जाके हमने एक फोल्डर बनाया था कल जतिन के नाम का, उसमें जाके हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया और उसका नाम रख लिया स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। और उसको सेव करने के बाद यहाँ क्लिक किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऊपर लिखा स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव किया। फिर यहाँ पे लिखा हमने रोल नंबर, तो स्टूडेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है पहले रोल नंबर क्या है उसका, यहाँ पे लिखा जाएगा। या हम यूँ भी कर सकते हैं सीरियल नंबर एस हैश, ठीक है, फिर रोल नंबर रोल हैश हैश बिन नंबर, फिर उसका लिखा हमने यहाँ पे फुल नेम, फिर उसका फादर्स नेम, ये मैं आगे जाता जा रहा हूँ टैब की मदद से, फिर उसका लिखा हमने सरनेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर हमने यहाँ पे लिखा उसका जेंडर, फिर हमने उसका यहाँ पे लिखा क्लास, फिर हमने उसका लिखा सेक्शन, फिर हमने उसका लिखा सिटी, फिर हमने लिखा उसका एड्रेस, पहले ले लेते हैं एड्रेस, एड्रेस सिटी डिस्ट्रिक्ट, जो भी मैक्सिमम उसके अप्रोचेज हैं वो आप ले सकते हैं, बस सिटी ले लें, इसके बाद कॉन्टेक्ट ले लें लास्ट में, ठीक है। तो ये हमने सारी फील्ड्स उसकी डिसाइड कर दी। प्रोफाइल का मतलब होता है स्टूडेंट का कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल एस करके हम उसको सेव कर देंगे। आइए अब हम इसको करते हैं डिज़ाइन। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी फील्ड्स हमने ली हैं ऊपर क्लिक करके सारी फील्ड्स को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर करेंगे सेल स्टाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बोल्ड करेंगे, उसके बाद फॉन्ट साइज को यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और ये आपको इस तरह से नजर आएगा। अनमर्ज करने के लिए दोबारा यहाँ से क्लिक हटा देंगे। याद रहे जितने कॉलम यूज किए हैं उनके ऊपर क्लिक करके हम क्या करेंगे, इनको मर्ज कर देंगे। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे सेल स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके इनको हेडिंग वन कर देंगे। जैसे इसको हेडिंग वन करेंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे। अब चूंकि टेक्स्ट दो दो वर्ड्स में है तो इसको हम करेंगे एक और कमांड जिसका नाम है रैप टेक्स्ट। बता भी रहा है रैप टेक्स्ट क्या काम करेगा, दो वर्ड्स को ऊपर नीचे डिवाइड कर देगा। ये देखिए इस तरह से ये रैप करेगा, ठीक है। अब रैप टेक्स्ट करने के बाद हमें देखना है कि किससे कॉलम को कम करना है। तो यहाँ पे रख के इस कॉलम को हमने कम कर लिया, इस कॉलम को थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, इस कॉलम को थोड़ा डबल साइज में कर दिया, इस कॉलम को भी डबल साइज में कर दिया, सरनेम को थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, ठीक है। ऑटो एडजस्ट करते हैं, ये थोड़ा आगे कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ ठीक है इस तरह से कर लेते हैं, जेंडर भी ठीक है इस तरह से कर लेते हैं, क्लास ठीक है, सेक्शन को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। एड्रेस बिल्कुल ठीक है लेकिन एड्रेस का कॉलम टू साइड्स में आएगा, थोड़ा बड़ा नजर आएगा इस तरीके से, और सिटी का कॉलम थोड़ा सा छोटा ही नजर आएगा, कॉन्टेक्ट का माकूल इस तरह से साइज में नजर आएगा। तो ये इस तरह आपने देखें इसका पूरा का पूरा हेडिंग को सेट कर लिया। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करने, ऑल बॉर्डर्स करना है पहले सबसे पहले, और फिर यहाँ से क्लिक करके थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करना है, जिसके बाद इनके ऊपर ये बॉर्डर लाइन्स आ जाएंगी जो कि प्रिंटिंग में नजर आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे जितने हिस्से पे हमें काम करना है। अब जितने हिस्से पे काम करना है इतने हिस्से पे करना है, इतने हिस्से पे करना है, इतने हिस्से पे काम करना है, उसके बाद क्लिक करके यहाँ से इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया इसको 15 तक यहाँ तक लिया, ये सारे सेक्शन में शिफ्ट के साथ थोड़ा और आगे सेलेक्ट कर लिया, देखिए कहाँ तक सेलेक्ट हो गया, एक और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक आ गया। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स किया, ऑल बॉर्डर करके थिक बॉक्स बॉर्डर किया, और यहाँ से क्लिक करके ऑल बॉर्डर थिक बॉक्स बॉर्डर किया, फॉन्ट साइज को यहाँ पे इसका इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, और इस पर क्लिक करके कंट्रोल एस का बटन दबाया। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये शीट हमारी ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट से मतलब ये है कि इसके अंदर जो है अभी कोई कलर्स नहीं है, तो इसके अंदर हम डेटा डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये डेटा मैंने इस तरह से डाला, इस डेटा को हम थोड़ा और फ्रीक्वेंटली भी डाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें सीक्वेंस नंबर डालें 1, 2, 3, तीनों लिखने के बाद हम तीनों को ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे। याद रहे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाला ऑप्शन आपको ऐसा नजर आएगा सेलेक्ट नहीं है, पर ये सेलेक्ट है, ये पूरा इसका एक वर्टेक्स बन रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तीन किस्म के सिलेक्शन मोड नजर आएंगे, एक सेलेक्ट, दूसरा मूव, तीसरा ड्रैग। जब ये ड्रैग वाला बनाएगा ये काले वाले पॉइंट पे इस पे नजर आएगा, इस पे क्लिक करके जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ये नंबर को सीक्वेंस में जनरेट करना शुरू करेगा और ये नंबर आपको बना देगा, लेफ्ट राइट सेंटर कर देंगे इसको इस तरीके से। कोई भी नंबर आपने यहाँ पे टाइप करना है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है जतिन कुमार, फादर नेम क्या है, साधु, सही है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया डेट ऑफ बर्थ क्या है, कल मैंने सिखाया था कि हमारे पास डेट कैसे आ रही है, पहले तारीख, फिर स्लैश, फिर जून, फिर 2008 लिखा हमने। अब छोटा कॉलम छोटा होगा तो ये हैशेस बने हुए आ जाते हैं, तो इस कॉलम को इस तरह से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। जेंडर में हमने मेल लिखना है, यहाँ पे क्लास हमने लिख दिया 9th, मैट्रिक, और यहाँ पे सेक्शन लिख दिया इंग्लिश, और यहाँ पे एड्रेस लिख दिया हमने सवाई रोड, वैसे तो हाउस नंबर भी लिखा जाता है। अच्छा ठीक है, ये इसको छोड़ जा,
ये इस पर मैच ही नहीं हुई, वो एक्स्ट्रा लगाई थी मैंने, ठीक है देखते हैं। चलाना इसको, हाउस नंबर क्या है नंबर घर का? 5141, हाउस नंबर फलाना, सवाई रोड, शहदादपुर। सवाई रोड लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे शहदादपुर, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर 0। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, और इसको क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए आपकी शीट के अंदर डेटा पुटअप हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करके हमने थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके सही नजर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है। अब यहाँ पे डेटा नजर आ रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं, दूसरा नंबर डालते हैं हम इसके अंदर, रोल नंबर इसके अंदर सपोज टू बी 1212454, ठीक है। उसमें क्या नाम है तुम्हारा? जहाँ जेब। अब्दू का नाम? नवीद चौहान, ठीक है। और चौहान स्पेलिंग क्या है? और डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 5/8/2007, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा इसको इस तरीके से, और यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखिए एक चीज और सिखा रहा हूँ इसके अंदर, जो चीज ऊपर लिखी हुई है वही सेम नीचे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, जो भी है वही सेम चाहिए। कंट्रोल डी शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल डी, जो ऊपर लिखा होगा वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तुम कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर कर देते हैं इसको फर्स्ट ईयर, और ये इस तरह हम डेटा डाल दिया। सेक्शन इसका भी इंग्लिश है, और कहाँ रहते हो तुम? हाउस, इसमें फिर इस तरह से लिखना होता है, हाउस नंबर क्या है आपका पहले ये बताएंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया 2312, ये अपने बे फॉर्म पे देख लेना, और फिर इसके बाद लिख दिया हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल डी शहदादपुर, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर क्या है? 308 33 920, ठीक है। ये देखिए हमने दो रिकॉर्ड इसके अंदर डाल दिए, देखिए इनको हम कहेंगे फील्ड्स नेम, क्या कहेंगे? फील्ड्स नेम। और ये जो हमने इसके अंदर इंटर किया डेटा, इसको कहेंगे वन रिकॉर्ड, और ये क्या कहलाएगा? सेकंड रिकॉर्ड, ठीक है। और ये कहलाएंगे एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलम, और ये कहलाएंगे रोज, ठीक है। और ये हमने इसको किया मर्ज, ये हमारी पूरी प्रोफाइल यहाँ पे बन गई स्टूडेंट की, जो डेटा डालते हैं, एक हमने स्टूडेंट प्रोफाइल शीट बना ली। इसी तरह से एम्प्लॉय प्रोफाइल शीट बनाएंगे भाई, उसमें यहाँ पे ईएमपी एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा, उसका फुल नेम आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट काम हो जाएगा, लेकिन यही मॉड उस पर अप्लाई होगा, और इसको हमने बनाना है लैंडस्केप पर। तो इस तरह से हमने एक डिजाइन कर लिया। मजीद कलरिंग इफेक्ट्स वगैरह आप डालना चाहते हैं इसके अंदर, सेलेक्ट करके यहाँ से अच्छे से कलर इफेक्ट्स आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से ये शीट थोड़ा सा बेहतर और इम्प्रोवाइज वर्जन आपको दिखा सकती है, और यहाँ पर ये इस तरह से नजर आएगी। सेव कर लें अपने काम को, और ये आपकी बन गई स्टूडेंट प्रोफाइल शीट, जो आपने पहली शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज डिजाइन करना सीख लिया है, सही है। तो इसमें आज नई कमांड क्या सीखी आपने? एक तो रेगुलर नंबर को जनरेट करना, दूसरा रैप टेक्स्ट के बारे में सीखा, तीसरा आपने क्या सीखा? हेडिंग कैसे अप्लाई करनी है सेल स्टाइल्स में जाके, मर्ज सेंटर कैसे करना है इसको, कितने कॉलम्स के ऊपर करना है, याद रखें हमेशा पहले कॉलम लिखेंगे फिर ऊपर इसको मर्ज करेंगे, वरना ये आगे पीछे हो जाएगा। बॉर्डर्स अप्लाई करना सीखा, बॉर्डर्स को रिमूव करना सीखा, अप्लाई कहाँ से होंगे और रिमूव भी यहीं से होंगे। अब इसके बाद आप शीट का प्रिंट आउट करेंगे, तो ये बिल्कुल शीट आपकी सही प्रिंट होने वाली है। अच्छा, पूरे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ कॉलम पे क्लिक करके उनको इस तरह से सेंटर किया जा सकता है, जो डेटा इस तरह का है जिसको हमें सेंटर करना है उनको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर किया जा सकता है इजिली, और ये डेटा भी इसे सेंटर किया जा सकता है। और रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी का शॉर्टकट की का इस्तेमाल, किस तरह से ऊपर वाला डेटा नीचे दोबारा से रिपीट करना है और ड्रैग कैसे करना है। तो अब आपने ये शीट बैठ के डिजाइन करनी है, फिर एक इस तरह की शीट मैं घर के लिए दूंगा, वो आपने घर से बना के भी भेजनी है, या दोनों तरफ करके इसको काम करना है, सही है? समझ में आ गई बात की? ओके।